नमस्कार, राग परिचय में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। जैसे हमने तय किया हुआ था, आगे बढ़ते हैं कल्याण फैमिली के साथ में एक बहुत ही मधुर राग की तरफ, राग गौड़ सारंग। गौड़ सारंग से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा गाना जो हमने शुरुआत की थी, अल्लाह तेरो नाम, जयदेव जी का कंपोजिशन है हम दोनों के लिए। सुनते हैं थोड़ा सा। मुखड़ा जो है एकदम सही सही गौड़ सारंग, कोई अंतर नहीं, सही सही मिलता है गौड़ सारंग से। लेकिन गाना जब आगे निकल रहा है अंतरे की तरफ, तो देखिए क्या हो रहा है। यहां गौड़ सारंग बिल्कुल नहीं रहा। क्या किया है जयदेव जी ने, जो शुरुआत थी, जो मुखड़ा था, उसी को दोहराया है माध्यम से। अब देखिए, ऐसे गाना बना है। शुरुआत एकदम गौड़ सारंग से, मुखड़ा बिल्कुल गौड़ सारंग से मिलता हुआ, लेकिन आगे गौड़ सारंग बिल्कुल नहीं रहता है। तो सुर वही है, मेलोडी वही, लेकिन वो अलग अलग जगह से रिपीट हो रही है और गाना आगे निकल जाता है बहुत खूबसूरती से। सो ये जो मुखड़ा है जो मिल रहा है गौड़ सारंग से, तो गौड़ सारंग देखते हैं अभी थोड़ा नजदीक से। गौड़ सारंग कल्याण रागांग से, कल्याण फैमिली का राग है। जैसे हमने देखा था, कल्याण रागांग के जितने भी राग हैं पूर्वांग में अलग अलग हैं, उनका उत्तरांग हमेशा कल्याण दर्शक हो जाता है। सो उसी तरह गौड़ सारंग भी पूर्वांग में एकदम एक ही स्वर समूह आते रहता है। देखते हैं क्या है पूर्वांग। सागरे मग परे सारे नी, सागरे मग परे सा, ये परे कल्याण रागांग वाचक। और देखिए कहन, सागरे मग, ये इसी तरह मध्यम आते रहेगा, शुद्ध मध्यम। सागरे मग ग प, ये कनेक्शन गंधार पंचम कनेक्शन, वापिस कल्याण वाचक। परे सारे नी सागरे मग, एकदम डेफिनेट मेलोडी है, इसमें बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पूर्वांग हमेशा यही स्वर समूह आते रहेगा, एकदम गौड़ सारंग, और कुछ हो ही नहीं सकता।
और आगे निकलते हैं, पंचम में ठहराव होगा। कल्याण अंग से आगे चलेंगे अभी धैवत की तरफ, धैप म ग, और यहाँ पहली बार तीव्र मध्यम का कर्ण लगने लगेगा, तीव्र मध्यम दिखने लगेगा। ऊपर जाना है और ऊपर जाने के दो तीन रास्ते, एक जा रहा है बिहाग जैसे लग रहा है, लेकिन उतरते हुए कल्याणवाचक ऊपर जाते हुए और बाकी कल्याण राग की तरह दूसरा और रास्ता जाने का, पद पपसा, बहुत सारे कल्याण राग ऐसे ही जाते हैं पद पपसा। सारे ऊपर से आते हुए द प म ग म ग प म ग, ये जो प म ग की कहन है ये गौर सारंग की एकदम निर्देशक है, प म ग ध प म ग। तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये एक धुन बनते चला जा रहा है। गौड़ सारंग ऐसा एक राग है, और भी कई राग है जिनमें राग का चलन पकड़ना बहुत मुश्किल है, चलन को लिखने जाओ तो आसान नहीं है, लेकिन उसका जो धुन स्वरूप है वो इतना अपने अंदर में चला जाता है, और मेरे हिसाब से तो हर राग के साथ में यही होना चाहिए, व्याकरण के उस तरफ निकल जाना चाहिए और हर राग की धुन बन जानी चाहिए। तो ये गौड़ सारंग है, बहुत ही प्यारा राग, एक बंदिश सुनते हैं, बहुत ही पॉपुलर बंदिश, पीयू कलन लागी मोरी अखियां।
ये था बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारा कौट सारंग। अगले हफ्ते और एक राग की तरफ देखेंगे, कल्याण फैमिली का राग हमीर।